हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटीक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेकर हाजिर हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं बहुत ही शानदार यहाँ पे एक बजट गेमिंग पीसी, बहुत ही बढ़िया एक बजट वीडियो एडिटिंग पीसी जो कि है इंटेल की तरफ से। दोस्तों आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं उसकी कुछ 30,000 रुपीज का ओनली सीपीयू यहाँ पे बिल्ड किया है जो कि मैंने बनाया है स्पेशली गेमिंग के लिए। दोस्तों आप क्या है इस पीसी का इस्तेमाल गेमिंग के लिए कर सकते हैं, एडिटिंग के लिए सकते हैं, यूट्यूब के वीडियोस बनाने के लिए आप इस पीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डेली वर्क के लिए भी इस पीसी का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैंने पीसी बनाया स्पेशली गेमिंग के लिए यहाँ पे बनाया है, तो दोस्तों मेरे कस्टमर मिस्टर जेर खान भोपाल मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनके लिए इस पीसी का बिल्ड हमने यहाँ पे किया है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है, इसके बाद पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंप्यूटर थे बिल्ड का वो है प्रोसेसर सीपीयू। तो जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है इंटेल की तरफ से हमने कोर i3 10th generation 1010F5 जो कि एक एंटी लेवल का i3 सीपीयू रहता है इंटेल की तरफ से, बहुत शानदार बजट गेमिंग चैंपियन सीपीयू यहाँ पर रहता है। अगर आप इंटेल की तरफ से कोई बजट पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो ये वाला सीपीयू इस्तेमाल करके बहुत शानदार पीसी यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया है 4 कोर 8 थ्रेड्स में आता है, 4 कोर्स में रहती है, 8 थ्रेड्स रहती है, साथ ही बहुत बढ़िया तरीके से आपकी गेमिंग एडिटिंग यहाँ पे करा देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया उसकी 6500 में भी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों अगला जो कंप्यूटर बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है MSI की तरफ से H510MA Pro जो कि एक एंटी लेवल का H510 चिपसेट का मदरबोर्ड रहता है, एक बजट मदरबोर्ड ये रहता है इंटेल के 10th जनरेशन 11th जनरेशन के सीपीयू के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया इंटेल के i3 10th जनरेशन 11th जनरेशन और i5 10th जनरेशन 11th जनरेशन के सीपीयू सपोर्ट करता है, बहुत बड़ी तरीके से इन सीपीयू को यहाँ पे हैंडल कर लेता है। तो दोस्तों आप भी कोई इंटेल की तरफ से बजट पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो ये वाला बोर्ड इस्तेमाल करके बहुत बढ़िया पीसी यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी 5600 में भी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है एसपीजी की तरफ से 8+8 16GB 32 MHz की 3200 MHz की 8+8 16GB रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की जो कि इस बिल्ड में बहुत शानदार यहाँ पे रहेगी, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी गेमिंग एडिटिंग यहाँ पे करा देगी क्योंकि 16GB रैम जो रहती है वो काफी रहती है, किसी भी तरह की आप गेमिंग एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही हमने 8+8 के कॉम्बिनेशन इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि बहुत बढ़िया यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल किया उसकी 5000 में भी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है EVM की तरफ से आने NVMe 250GB की 250GB की SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की जो कि इस बिल्ड के लिए बहुत शानदार यहाँ रहेगी, काफी अच्छी स्पीड मिलेगी चाहे आप गेमिंग करें एडिटिंग करें। जैसा कि आप जानते हैं SSD जो होती है वो हमारे सिस्टम को बूस्टअप कर देती है, जब भी आप किसी बिल्ड करते हैं तो SSD का इस्तेमाल जरूर करें और कोशिश करें कि आप NVMe SSD इस्तेमाल करें क्योंकि जो NVMe SSD रहती है सबसे फास्ट यहाँ पे रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो SSD हमने इस्तेमाल की उसकी 2500 में भी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है सीगेट की तरफ से 500GB की 500GB की हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की जो कि इस बिल्ड में यहाँ पे सफिशिएंट रहेगी। यहाँ पे जो हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल की है उसकी 1500 में भी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है पावर सप्लाई PSU। तो जो PSU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है गीगाबाइट की तरफ से 650W का 80+ पे, बहुत शानदार PSU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है जो कि इस बिल्ड में बहुत शानदार रहेगा, सारे पार्ट के पावर को आराम से हैंडल करेगा और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको मिलेगी। तो दोस्तों जो पावर सप्लाई हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी 4500 में भी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है गेमिंग केस कैबिनेट। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया है जेवियन की तरफ से फिजी, बहुत शानदार बजट गेमिंग केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में एक्रिलिक की प्लेट रहती है, आगे इसमें स्ट्रिप रहती है जो कि RGB रहता है, साथ ही आगे फैन रहता है जो कि RGB रहता है और आगे इसमें मेश पैनल रहता है, कूलिंग रहती है, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कूलिंग आपको मिलती है और इस बजट के अंदर बहुत शानदार केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल कर लिया है जो कि इस बिल्ड के लिए बहुत शानदार यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी 3300 में भी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड GPU। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है ZOTEC की तरफ से 1070 ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि इस बिल्ड के लिए बहुत शानदार यहाँ पे रहेगा। दोस्तों ये ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल किया कस्टमर के पास ऑलरेडी था, हमने इसमें नया ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाया, उनके पास एक पहले से ग्राफिक्स कार्ड था, वो वाला ग्राफिक्स कार्ड हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया है। आप चाहे तो इस पीसी पे कोई नया ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि 1050 या 1650 या 1650 सुपर ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल करके इस पीसी को यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पे हमने इस पीसी को बिल्ड कर लिया, इस पीसी को बना लिया काफी शानदार बना। अगर लुक की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही शानदार आरजीबी केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल करके, बहुत बढ़िया बजट आरजीबी केस इस्तेमाल करके बहुत शानदार पीसी बिल्ड कर लिया है। वही हम कंपोनेंट की बात करते हैं सारे के सारे बहुत बढ़िया बजट कंपोनेंट इस्तेमाल करके बहुत शानदार बजट पीसी यहाँ पे हमने बिल्ड कर लिया है। ग्राफिक्स कार्ड जो हमने सेकंड इस्तेमाल किया तो बहुत बढ़िया बजट पीसी यहाँ पे हमने बना लिया है। वही हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इसमें लगाया है 1070 उसके साथ में हमें 128 एफपीएस मिले थे। मैंने इस पे टेस्ट करके देख रहा यानी इसमें 120 एफपीएस आपको आराम से मिल जाएंगे। वही रेटिंग का स्कोर भी बहुत शानदार यहाँ पे रहा था। अगर आप इसमें कोई नया ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे 1650 या 1650 सुपर आप ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको आराम से इसमें बढ़िया ग्राफिक्स का एफपीएस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं जिसके लिए बजट आपका बजट 30 से 40 हज़ार रुपये तो आप सेम टू सेम पीसी बिल्ड कर सकते हैं, या तो आप उसमें सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई बजट ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल करके इस पीसी को यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो पीसी या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं जो कि लोकेटेड लालगढ़ स्टोर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में रहते, भोपाल से बाहर रहते तो हमसे कांटेक्ट करके किसी भी तरह के पीसी ऑर्डर में दे सकते हैं जो हम आपके घर पे पहुंचा देंगे 7 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर आप हमसे पीसी बिल्ड करवाते हैं, पीसी परचेस करते हैं तो गेम्स आपको फ्री देते हैं, गेम्स का कोई चार्ज नहीं रहता है, साथ ही जो हमारी असेंबली सर्विस वो भी फ्री रहती है। और अगर आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल में अगर आपने पीसी परचेस किया तो फ्री होम डिलीवरी करके भी आपको देते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।